बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। खबर मिल रही है जहां बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि भी दी है। तो जसवंत सिंह जी ने पूरे लगन के साथ हमारे देश की सेवा की, पीएम मोदी ने ये कहा ट्वीट करते हुए, और कहा कि पहले एक सैनिक के तौर पर और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। पीएम मोदी ने अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाल, वित्त, रक्षा, विदेश मामलों की दुनिया में एक मजबूत छाप उन्होंने छोड़ी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी ट्वीट भी दिखा रहे हैं। उन्होंने दुख जताया, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना है। तो राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। निश्चित तौर पर ये दुख की घड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। बंसल न्यूज़ है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, आप कुछ खास किस्से आप बताना चाहेंगे और किस तरीके से आप तक उनका ये राजनीतिक सफर रहा है? देखिये, जसवंत सिंह पहले सेना में रहे और कुछ वही दृढ़ता और कुछ उसी अंदाज में उन्होंने बाद में राजनीति में अपने करियर को आगे बढ़ाया। एक बहुत शांत, संयमित और धीर गंभीर राजनेता की उनकी छवि रही जी। और यही वजह रही कि जो भी मंत्रालय उन्होंने संभाला उस मंत्रालय में उन्होंने अपने कामकाज की छाप छोड़ी। और अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल के वो एक बहुत प्रमुख चेहरे रहे और हमेशा उनकी तरफ सबकी निगाह रही, चाहे उन्होंने रक्षा मंत्रालय का दायित्व निभाया हो या फिर उन्होंने वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली हो। तो ये जो तमाम चीजें रही हैं उसमें उनके चरित्र की दृढ़ता, उनके चरित्र का जो लोह तत्व रहा है वो हमेशा सामने आता रहा है जी। और सदन में भी जो एक संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ने वाले राजनेता की एक छवि हमने देखी है करिश्मा, उस छवि के जसवंत सिंह प्रतिनिधि राजनेता रहे। कभी विवादों के गर्दोगुबार से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा और राजस्थान में बीजेपी को खड़ा करने में, बीजेपी को और मजबूती देने में निश्चित तौर पर जसवंत सिंह जी की बहुत अहम भूमिका रही। हम याद करते हैं तो मैं आज भी उनकी आवाज के एक गंभीर तत्व को स्मरण कर पा रहा हूँ, चाहे वो सदन के भीतर केंद्र सरकार से जुड़े मसलों पर केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जवाब हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या देश के रक्षा संबंधी मामलों में, क्योंकि अटल जी के समय कई बार ऐसी स्थितियां खासतौर से कुछ मौकों पर बनी थी जब भारतीय सीमाओं को लेकर चिंता उठी थी, लेकिन जसवंत सिंह हमेशा अपने लोह व्यक्तित्व के साथ सामने आए। अपूर्णीय क्षति है, उस पीढ़ी के राजनेता रहे हैं जसवंत सिंह जो मूल्य, मर्यादा और मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है, एक अपूर्णीय क्षति है करिश्मा जी। बिल्कुल, और देश की सेवा के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरद जी जुड़ने के लिए। तो जसवंत सिंह जी का निधन हो गया है और राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है, उनका भी ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया और कहा कि परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जसवंत जी पूरी लगन के साथ देश की सेवा उन्होंने की, पहले एक सैनिक के तौर पर और बाद में वो राजनीति में आए, तो लंबा जुड़ाव रहा ये, लेकिन इस दौरान अब काफ़ी संयमित वो रहे हैं। तो काफ़ी दुखद और अपूर्णीय क्षति ये है